पूछा गया था कि वो मेरी सातवीं जमात में ना मुझे पाकिस्तान आना पड़ गया था फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, ठीक है। तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया, मुझे मेरी अंग्रेजी अच्छी होती थी तो मैंने कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर दिया क्योंकि पैसे नहीं थे तो स्कूल की फीस देती। तो वो कॉल सेंटर में काम करना शुरू किया तो उधर से पहला लेसन मिला जिंदगी का कि वो इज्जत जिल्लत अपने हाथ में नहीं होती। कोई अंग्रेज कोई भी आपको घोरा बेइज्जत करके निकल जाए, आप अपनी तरफ से फुल तैयारी करके जाते हो कि इसको मैं ऐसे बेचूंगा ऐसे सेल करूंगा, लेकिन वो आपको रगड़ा लॉस में नहीं जा रही लेकिन आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद एनी अदर वर्क दैट आई हैव डन, तो मुझे कोई बंदे चाहिए। सो आई लुक फॉर अ मेंटर एंड दिस इज अबाउट नाउ 6-7 इयर्स अगो, 6-7 साल पहले मैंने नैरेटिव्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। नैरेटिव्स बेसिकली है ना वो करती थी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी के सिस्टम कैसे बनाने हैं, हायरिंग फायरिंग कैसे होनी है, पॉलिसीज कैसी होती है, पैसे कैसे बनाने हैं, फाइनेंसिस कैसे हैंडल करने हैं, लोग अगर रखने हैं तो किस तरह के रखने हैं, उनकी असेसमेंट्स कैसी होनी चाहिए, all kinds of things, from strategy to all kinds of work. Recently, 5 साल पहले, आपकी तरह के मेरे clients थे, कुछ उन्होंने कहा, यार आप ना बातचीत अच्छी करते हैं, आप लोगों को बोलना आता है थोड़ा सा, तो आप हमारे क्लाइंट को चीजें बेचो, हम नहीं बेच पा रहे तो आप उसको मनाओ और उसको चीजें बेचना शुरू करो। तो हमारे पास दो choices आ गई। चॉइस पहली ये थी कि वो चीजें बेचें इवेंट्स, कि हमारे सब कॉन्टिनेंट का ये बहुत बड़ा मसला, हम ना कम्युनिकेशन का बहुत छोटा हिस्सा उठाते हैं और उसके बाद हम दुनिया से शिकायत करते हैं कि यार मेरा टैलेंट कोई नहीं पहचान रहा, मैं तो जाया हो रहा हूँ इस मुल्क में, ये तो जगह ही ऐसी है, मेरा तो बाप मेरी बात नहीं सुनता, वो बड़ा जालिम है, मैं उसको मना नहीं पा रहा, वो लड़की नहीं मान रही मेरी बात, या लड़का नहीं सुन रहा, या वो अम्मा अब्बा को कैसे, एनी अदर बिकॉज़ वी रियलाइज दैट 10% ऑफ कम्युनिकेशन इज बीइंग यूटिलाइज, बाकी कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। सो आई स्टार्टेड डिफाइनिंग व्हाट कम्युनिकेशन इज एंड आई वांट टू गिव यू दैट पर्सपेक्टिव एज़ वेल। कम्युनिकेशन For me, or what I'm trying to spread at this moment, is everything and anything जो आपके अंदर हो रहा है और आपके बाहर हो रहा है। So I'll start off from the very basic point. हमारी जो emotional state होती है ना अंदर, कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे खुशी है, मुझे depression है, हम सबसे पहले that's a form of communication to the body कि तुम क्या महसूस कर रहे हो या तुम कहाँ खड़े हो जिंदगी के। जब मैं emotionally stable नहीं होता ना तो मैं होती है तो मुझे लगता है मुझे गुस्सा आया क्योंकि आई सक एट माय ओन इमोशनल स्टेट। मुझे डिप्रेशन हो रहा होता है तो मुझे लगता है कि वो लड़की आता है, मेरे मुझे जो है ना कहीं हंसी आ रही होती है तो मुझे लगता है कि मैं खुश हूं, दैट्स नॉट हैप्पीनेस, हंसना इज नॉट हैप्पीनेस। तो मैं मुझे कभी भी अपनी इमोशनल स्टेट को समझ नहीं पाता तो मैं बाहर गन मार रहा होता हूँ और उसके बाद मैं जिंदगी सारी बकवास शुरू हो जाती है। सेकेंडली इफ आई कम आउट ऑफ दैट स्टेट तो मेरा जो जिस्म है जो मेरी बॉडी है पूरी वो होता है ना शनाख्ती अलामत बॉडी पर होती है ना कम्युनिकेशन फंक्शन। So come down to my body language. मैं खड़ा कैसे हूँ? आपकी आप भिखारी हैं या आप मालिक हैं? आपके कंधे से आप हाथ जिस तरीके से हिलाते हो या जेबों में रखते हो या ये चीजें करते हो ये कम्युनिकेट करता है कि आप कहाँ खड़े हो जिंदगी के। अगर मैं आपको आते हुए चुपेड़ लगाऊंगा तो आप आते जवाब दे पाओगे या फिर आप सहम जाओगे? क्या आपके पास बैक है? क्या आपके पास फैमिली की सपोर्ट है कि नहीं? ये आपकी बॉडी लैंग्वेज बोला। उसके बाद वी टॉक अबाउट क्लोथ्स। यहाँ पे अगर दरवाजे में से एक थ्री पीस सूट मेरा तो शेफी सा सूट है, एक थ्री पीस सूट में वो बजाज टाइप स्टाइल ना टाई शर्ट पहन के सिगार लगा के काले जूते टक टक करता हुआ कहते हो सिल्वर उसके बाल हो दाढ़ी शाड़ी उसकी कट हुई हुई है शानदार मोड में सीधा दरवाजे में खड़ा होकर सिर्फ छाती चौड़ी करके अंदर खड़ा होता है तो आप क्या करो? गुड मॉर्निंग सर, ये चाची जी क्या काम? जिस तरह उसको सूट पहन रहा है तो ये कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, खुश है ना? आपको क्या पता कि वो कितने यतीमों की देगे मार चुका है, जमीनें चोरी करता है, डकैत है, लेकिन आपने उसको सर बना दिया क्योंकि पीएचडी जो लंग्स के एफ है ही फ्यूमेंट लंग्स। सो लंग्स के जो पीएचडी प्रोफेसर थे ना वो सिर्फ सफेद कॉटन की सलवार कमीज पहनते हैं तखनों से ऊपर और थ्री टाइम्स ट्रिपल पीएचडीज क्वाड्रिपल पीएचडीज फजर की नमाज के बाद लंग्स के अंदर जो मस्जिद है ना उधर ब्लैक होल्स डिस्कस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस होती है कि इस्लाम साइंस के साथ कैसे कनेक्ट होता है और क्यों हमारा जो गैलेक्सीज का फंक्शन और कैसा चलता है। उनका दूर से देखो सोलाब की साइकिल पे आते हैं साथ। सो उनको अगर आप सड़क पे देखोगे आप कहेंगे चाची जी बाय,
मैं आज ये बात बिल्कुल नहीं करूंगा कि मोटिवेशन और अच्छा आपने निजाम समझ लिया, कम्युनिकेशन का मतलब ही दिमाग बॉडी। आप काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, गंजे हैं, आपकी किडनी है नहीं है, आपका बाजू है नहीं है, आप ठीक थे नहीं थे, बॉडी जीरो कंट्रोल। आप जैसा जिस्म आपका था ना, आप वैसे ही, उस पर कोई कॉमेंट्री हो ही नहीं सकती। वो सबसे जाहिल इंसान है जो कहता है यार तेरी आंखें फीनी है, तो तेरा कद छोटा है, तो तू गंजा क्यों है। ये जाहिल लोगों का काम है, और ये हमेशा पर इसको हमने सीरियसली इसी चीज को लिया, क्योंकि जाहिल लोगों ने कॉमेंट्री इसी पे की है। जिसम में तो कंट्रोल ही कोई नहीं था, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, अदर देन स्टेइंग फिट। वो ज्यादा बैठा है पीछे आपका थी, लेकिन फिटनेस इज सेपरेट फंक्शन। लेकिन जब आप आए थे, यू हैड नो कंट्रोल, या काले गोरे आम किस कलर की है नहीं है। सो बॉडी वाइज तो नो कॉमेंट, ठीक है, जबरदस्त, वेरी क्लियर। ये खाली आता था, इसके अंदर ना सिर्फ 3% से 4% इंफॉर्मेशन। वो क्या थी, अंगूठा इधर डालो है, इधर नहीं डालो, खाना जो है ना वो ऐसे नहीं मारना, खाना इधर जाएगा। वो सुपर मोटिवेटेड इंसान जो कहता था ना जबरदस्त सब मौसम चलेगा, वो इवेंचुअली किल हिमसेल्फ, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। ये सबसे ज्यादा कहते हैं ना, ओए जॉनी फिगर ना कर, रॉबिन विलियम्स ऐसा रहे, और जॉनी फिगर ना कर सब हो जाएगा, आखिर में आपके सर में गोली मार देते हैं, बिकॉज़ दैट्स नॉट ट्रू आई थिंक, दैट्स नॉट अ स्टेट टू अचीव। लेकिन द फंक्शन वाज कि ये खाली आया था, और ये खराब लोगों ने बिल्ड किया, तो ये तो बेटा बिल्कुल बीमार है, इसका तो चक्कर, इस पे तो क्वेश्चन ही नहीं है कि आप में से और मेरे में से एक भी हम में से ऐसा हो जो बिल्कुल दिमागी तौर पे सेट। ये तो बहुत ही स्टूपिड है, वो मर्दों ने आसान बना दिया, पागल हो, लड़कियों पे डाल देते हैं ना वो मेल स्ट्रेंथ का इश्यू यूटिलाइज करके, लेकिन असल में मर्द भी पागल ही है, बिकॉज़ वी इट्स नॉट लाइक गाली और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, इट्स जस्ट हाउ द सिस्टम ब्रॉट अस अप। आपके पास चॉइस नहीं थी, आपको नहीं पता था, आपको नहीं दिया गया कि मेंटल हेल्थ क्या चीज होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या चीज होती है। And you haven't asked those questions. अम्मा अब्बा से पहले पूछते थे, अम्मी गाड़ी कैसे चलती है, बेटा वो zoom करके ना बस पेट्रोल डाल जाता है, रोशनी देता है, बड़ा सा बोला है, जबरदस्त। अम्मी वो प्लेट किस चीज को कहते हैं, बेटा इस चीज को कहते हैं, अम्मी खुदा कौन होता है, चलो जाओ टीवी देखो, चलो चलो टीवी देखो जाओ, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं। योर रिलीजियस बिलीफ्स खोखले, बुलशिट लोग हैं, पता नहीं क्यों नमाज नहीं पढ़ी जा रही, बिकॉज यू डोंट नो शिट अबाउट व्हाट नमाज एक्चुअली इज। You don't know what Hajj is. You don't know what Umrah is. You have zero information. What is Namaz? Kyun padhni? What's the reasoning behind it? Fayda, nuksan? Life mein bina aapko. Yeah, and you want to have that connection? Zabardast. Okay, let's break this down. Namaz is a concept that has existed in every single religion. Buddhism bhi yehi kehta tha, Hinduism bhi yehi kehta hai, Judaism bhi yehi kehta hai, beta, akele baitho, duniya badi zalim hai. तुझे पागल करके रखेगी, अपने साथ वक्त गुजारना किसी किसी मोमेंट, खुदा तुम्हारी शारक से करीब है, जब अकेले बैठ के बात करते हो तो उससे कॉन्वर्सेशन करना, दिल की जो अंदर से आवाज आती है कि बेटा मुझे नहीं, रात को जब मोबाइल बंद हो जाता है, जब सब सो जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अम्मा अब्बा बहन भाई, और मोबाइल साइड पर रख देते हैं, अंदर से आवाज आती है, सुबह फिर से लीन होने जाएगा, वो वाली जो आवाज है उसके साथ कभी बैठे हैं अकेले, उसकी तो बात ही नहीं सुन रहे थे, उसने अपनी आवाज तो निकाल ली थी, फिर वो किसी गलत पॉइंट में निकलता है। आपके बाप यही करते हैं, आपकी वालदा यही, आपको बाप का बस उन पे चलता है, आपकी वालदा का बस इसी पे चलता है, तो ये नहीं चल रहा है। सो अगेन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज, यू आर नॉट स्पेशल अबाउट इट। नाम टैग करके कि मैं बड़ा काबिल आदमी हूं, इफ आई एम नाइस मैन, अच्छा लगता है खाना, खाना जब अच्छे वाला खाते हैं तो एकदम से नो वन गोस, ओह शिट मैन खाना स्टेक हो गया, नो वन गोस, एवरीवन गोस लाइक रिलैक्स, इट्स ठीक है, गुड, दैट इज व्हाट सेरोटोनिन डज। वो दूसरे को नहीं चला, सेरोटोनिन सारी जिंदगी चलता रह सकता, यू कैन कीप एट इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू कैन जनरेट हैप्पीनेस फ्रॉम इट, एंड देयर विल बी नो पॉज। सेरोटोनिन रूल्स प्लेन एंड सिंपल, इमेजिन दैट, इतने सिंपल हैं कि आप उन पे उंगलियों पे गिन सकते हैं। सबसे पहला रूल, 7 से 8 घंटे की नींद चाहे तोड़ के करो
सात से आठ घंटे की नींद पूरी नहीं करोगे तो सेरोटोनिन न्यूरॉन्स डाई आउट होना शुरू हो जाते हैं, उनकी प्रमोशन के लिए नींद जरूरी है। दूसरा फंक्शन, कुकिंग योरसेल्फ एंड देन कुकिंग द राइट थिंग। व्हेन यू कुक, खाना हीट होता है, उसके वो एटम्स ब्रेक डाउन होते हैं, वो आपकी नाक में जाते हैं। एंड मुर्गी में नॉन दैट एग्जिस्ट बाय द वे, शेवर की मुर्गी में कुछ नहीं है सर एग्जिस्ट करता, यू कांट डू दैट शिट एनीमोर। सब्जी विच ब्रिंग डाइट, अगर हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, हमारी डाइट सक्स शिट, ठीक है, बियॉन्ड शिट। हियर इज द इंटरेस्टिंग बिट, योर स्टमक हैज इवॉल्वड टू ओनली डाइजेस्ट वन थिंग एट एनी गिवन मोमेंट। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत होती थी, वो क्या करते थे खाने के मामले में, डज एनीवन नो दैट? भूख रखते, जगह रखे खा देते, और आधा पेट खाते थे, रोटी खाते थे तो सिर्फ रोटी खाते थे, चावल खाते थे तो सिर्फ चावल खाते थे। He was smart. He knew his shit at times and he did take care of himself that way. आप जब क्या करते हैं, सालन, सालन का मिर्चे मसाले ऑयल टमाटर ये वो अंदर जाता है, पेट में मैसेज जाता है कि होली शिट आई हैव नो आइडिया ये क्या है, नहीं पता है क्या है, इसको पढ़ा रहने दे थोड़ी देर, इसको थोड़ी देर पढ़ा रहने दे, अच्छा ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही मेरे पेट में आज क्यों भारी पन हो रहा है, वो कहता है पढ़ा रहने दे यहीं पे। वो जब गल जाता है ना, जब उसमें बैक्टीरिया आता है तो स्टमक कहता है ओए बैक्टीरिया मैं पहचानता हूं, अब इसको हजम कर लेते हैं, वो तब तक तबाह कर चुका होता है सिस्टम। आपने खाना जिस तरीके से खाना है, दैट हैबिट नीड्स टू शिफ्ट, व्हाट यू ईट नीड्स टू शिफ्ट, वरना नहीं चलेगा, वरना यही उदासी परेशानी। साइंटिफिकली योर बॉडी इज मेड आउट ऑफ व्हाट, सेल्स, राइट? सेल्स, डू यू नो दैट योर बॉडी हैज डबल द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया देन इट हैज सेल्स? द ओनली रीजन यू डोंट लुक लाइक अ बिग अमीबा बैक्टीरिया एनिमल इज बिकॉज बैक्टीरिया का साइज इतना सा होता है, सेल का साइज इतना, बैक्टीरिया डबल अमाउंट में है। अब बैक्टीरिया थ्राइव करता है कल्चर पे, उसको जो खिलाया जाएगा ना वही वाला बैक्टीरिया बढ़ जाएगा। अब अगर मैं अपनी बॉडी में एक्सरसाइज ऑन द थर्ड फंक्शन एंड द फोर्थ वन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन व्हिच पीपल फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट इज व्हाट, फॉर सेरोटोनिन प्रोडक्शन, दैट्स ह्यूमन कनेक्शन, टू मेक अदर पीपल फील गुड, टू लिव आउटसाइड योरसेल्फ। इंसान तब तक खुद गर्ज रहता है, कहते हैं अभी आई डोंट एग्री विद दिस 100% बट रिसर्च स्टेट्स के इंसान तब तक क्रीम करानी है, ठीक है 12 बजे करा लूंगा, 2 बजे करा लूंगा, पैदल चला जाऊंगा, खैर बिस्तर एक पे सो जाऊंगा, सिंगल मैट्रेस, खैर वो बाय डकैती हो गई, मैं गेट बंद कर लूंगा, इट्स ओके, गुजारा करते हैं, ठीक है चल जाएगा। जब औलाद हो जाती है ना, देन यू बिकम रिस्पॉन्सिबल। सड़क सेफ होनी चाहिए, स्कूल वो वाला अच्छा होना चाहिए, पुलिस वाले अच्छे होने चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे के फ्यूचर की बात है, हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, मैं हिसाब लूंगा, पॉलिटिशियन से हिसाब लूंगा क्योंकि उन लोगों ने ज्यादा की तो मेरे बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। सो यू लिव आउट ऑफ योरसेल्फ, दैट मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल, दैट्स सपोज्ड टू हेल्प बूस्ट सेरोटोनिन फंक्शंस, दैट्स हाउ नेचर वर्क्स। दैट आप 15-16 साल की उम्र तक, अगर 18 साल 20 साल 25 साल तक दंद मार भी रहे हैं तो देयर इज अ फंक्शन कि चलो बच्चा पैदा करके मे बी यू कैन लिव आउट ऑफ योरसेल्फ एंड देन सेरोटोनिन प्रोडक्शन कर लो। इट्स नॉट द ओनली वे टू डू इट, यू डोंट हैव टू हैव अ किड, बट आजकल तो हमारा बच्चा क्या होता है, बन भी नहीं दोनों की बच्चा कर नहीं, आपको जो सिस्टम में डाला गया आप उसी में चलते गए और आप उसी का। सो मेरी हैबिट किस तरह बनती है, हैबिट बनती है फीडबैक। मैंने पहली दफा झूठ बोला था घर में और अब्बे ने रख के चपेड़ मारी थी कि मैं शीशे के पार हो गया, उसके बाद झूठ नहीं बोला गया, लेकिन मैंने पहले झूठ बोला था और वो चल गया। फिर अम्मा अब्बा ने कहा, तो मजे की बात है, दो बच्चे खड़े हैं, ठीक है मैं छोटा सा था, अब्बू ने कहा चॉकलेट किसने खाई है, बच्चा इमेजिन फ्रॉम अ किड्स पर्सपेक्टिव, वो इतना सा है, बाप इधर से आ रहा है, ठीक है नीचे देख रहा है और कह रहा है चॉकलेट किसने खाई है, तो मौत का फरिश्ता ही लगता होगा उसको कि वो छोटे से बच्चे को पता नहीं है तो खा जाएगा मुझे, तो वो कहता ऑफ भाई ने, अच्छा भाई को तड़ाल तड़ाल, वाओ मैं तो बच गया जबरदस्त। फिर अम्मी अब्बू अगले दिन क्या कहते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना होगा था, पागल तो नहीं हो गए, मेरी जान बची है कल झूठ के चक्कर में, मैं झूठ ना बोल, फीडबैक पे बनता है।
जिसने चोरी चकारी की है और इस सोसाइटी के अंदर वो इसी तरह आगे बढ़ा है क्योंकि उसको पैसा मिला है, उससे उसको फायदा मिला है। उसको पुलिस ने एक दफा पकड़ा है और 6 दफा नहीं पकड़ा। उसको अगर फीडबैक सही मिलता तो उसकी आदतें फर्क बन जाती। उस लूप को तोड़ने के लिए इट इज नेसेसरी कि जिस साइकिल में से कहते हैं ट्रैवल, फिरो, नई जगहें देखो। हाउ मेनी ऑफ यू आर बोर्न एंड रेज्ड इन लाहौर? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाहौर लाहौर है? आई पर्सनली हेट लाहौर, इट्स अ हॉरिबली डिजाइंड सिटी, बट ये नहीं, नो ऑफेंस, पर्सनल मैं आपको पसंद है, मैं ये वेरी वर्स्ट सिटी ऑफ लाहौर। नहीं नहीं नहीं, डिजाइन फंक्शन में अगर आप लाहौर से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे तो आपका बाइन है और सब चीजें सेफ है और जो नॉन डेवल जो है वो बेहतर होता है ना नॉन डेवल से, तो ये बेहतरीन है। लेकिन इट्स नॉट अ वेल डिजाइन सिटी, इट्स नॉट अ कंड्यूसिव सिटी फॉर हेल्दी पीपल, द एयर क्वालिटी इज बैड, द डिजाइन नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, ट्रैफिक का कोई हाल नहीं, बट अगेन वी लव इट बिकॉज वी लिव हियर। बट हम लोग वो चीजें हैबिट सिर्फ टूटती है जब आप ट्रैवल करके नए लोगों से मिलते, जब आप अपना पर्सपेक्टिव करते हैं। काफी सारे लोग हैं, ये मेरा फिटनेस नहीं डिस्कोर्स ठीक है। लॉट ऑफ पीपल से वो ट्रैवल ट्रैवल जो है वो हैबिट तोड़ता है या चीजें बेहतर करता है। ट्रैवल करते हुए आईफल टावर के सामने सेल्फी खींचना ट्रैवल नहीं होता। ट्रैवल होता है टू सिट इन अ पार्क विद 7 रैंडम नेशनैलिटी के लोग एंड हैव अ डिस्कोर्स अ कॉन्वर्सेशन। बस स्टॉप पे खड़े खड़े उससे पूछना कि आप कहां जा रहे, क्यों हो ऐसे। हम वो ट्रेन स्टेशन पे ना, मैं जमीन बाहर रातें गुजारना शुरू करती, सो आई क्विट माय रूम एंड आई ट्रेन स्टेशन के बाहर ना उन निकरों में टी शर्टों में भिक मांगे, बिल्कुल ना गंदे से बस्ते उन्होंने रखे हैं और बैठे हैं। तो मैंने कहा यहाँ के भिखारी होंगे, ठीक है, तो दैट्स रियली कूल, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग। तो मैंने उनसे जाके मैंने कहा यहाँ पे भिखारी होते हैं, सो लेट्स आस्क देम क्या है। मैं भिखारी नहीं हूँ, समझ आइए 125 मूल फिर चुका हूँ, बस ऐसे ही इधर बैठा हूँ और फिर मैं यहाँ से उठ के अभी ट्रैवल करके चला जाऊंगा। और ज्यादा ही हैड अमेजिंग स्टोरीज। आई वेंट टू इंडोनेशिया, वहां पर उन्होंने, आप लाइब्रेरी में एंट्री करो ना वो किताब नहीं देते, यू गेट टू रेंट अ ह्यूमन बीइंग फॉर एन आवर, यू गेट टू सिलेक्ट कि मुझे एक बंदा चाहिए, मैंने उसके साथ गप लगा, आपको यहूदी चाहिए, आपको क्रिश्चियन के साथ, ये लोग अवेलेबल हैं जो अभी अपना टाइम दे सकते हैं आप। यू सिट विद देम एंड यू हैव अ डिस्कोर्स विद देम, दैट्स ट्रैवल। नहीं मैं ना ऑटोपार्क पे गाड़ी भगाई हुई 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 हुई, दैट्स नॉट ट्रैवल। मैं आईफोन, मैंने ताजमहल के साथ तस्वीर खींचवाई, दैट्स नॉट ट्रैवल। ट्रैवल इज व्हेन यू ओपन योर ब्रेन एंड यू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। कि कैसे है यार कि यहाँ पे हमेशा कहा गया है कि यार देखो प्रोस्टिट्यूशन से सोसाइटीज बर्बाद हो जाती हैं, चोरी चिकारी बढ़ती है, ड्रग अब्यूज से सोसाइटीज बर्बाद हो जाती हैं। बिल्कुल सही है, जबरदस्त, हमने उसको देखा भी। हाउ इज एम्स्टरडैम स्टिल वर्किंग देन? डिड यू आस्क कि क्यों है लोग अभी तक उधर जा रहे हैं पागलों की तरह? मैं ये नहीं कह रहा कि उनका सिस्टम बेहतरीन है, मैं कह रहा हूँ सवाल किया है आपने, डिड यू आस्क द क्वेश्चन सो दैट योर ओन बिलीफ स्ट्रेंथ कैन सिस्टम कैन स्ट्रेंथन इटसेल्फ। कैसे है कि वो सिस्टम चल रहा है अभी तक? सवाल तो किया है, और फिर हम लगेंगे लोगों से डरते हैं और बाहर भी लोग डरते हैं। ऐसे आई रियली पुअर लेडी, वो बेचारी थी नशाई टाइप की, वो भी है जो भी, वो बेचारी इस बार कांपती कांपती मेरे पास आई है, उसने कहा कैन आई गेट अ सिगरेट? मैंने उसको पूरी डब्बी पकड़ा दी, मैंने घूम ऐसे ही है हम तो पाकिस्तान में 150 के डब्बे जाके ले जा। मैंने कहा यार ऑफ कोर्स एंड हियर इज अ लाइटर। वो डर गई, उसने पूरी डब्बी शायद ही मुझे कहीं अबडक्ट करने के चक्करों में दाढ़ी वाला ऐसे भाग जाओ, शी रैन अवे बिकॉज वो भी जस्ट बिकॉज शी इज यूरोपियन डजंट मीन कि उसका दिमाग मेरे से ज्यादा खुला होता। उसने कहा कि यार ये मुझे डरने के चक्करों में डब्बी तो कोई नहीं देता, एक सिगरेट निकाल के बंदा पकड़ाता ऐसे करके, बस पीछे जा लाइटर भी मैं अपने हाथ से दूंगा। उनका भी ये मतलब नहीं है आप बाहर चले गए तो उनके सारे का दिमाग खुला होगा, दैट पर्सपेक्टिव। वो जो गुस्सा नहीं चढ़ता, पाकिस्तानी ऐसे हैं, ये बाहर जाके पता चलता है जब आप बातें करते हैं, जब आप सिर्फ ट्रेन में बैठ के उनकी बिल्डिंगें देख के उनकी जगह देख के आप आ जाते हैं ना, फिर आपको कहें कि और बेहतरीन जगह है। जब आप रहना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है यार वही लोग हैं, उनको भी प्यार चाहिए, वो भी भूख नांग में पड़े हुए हैं, उनको भी मौत से डर लगता है। आई वेंट टू आइसलैंड और मैंने सबसे बड़ा लेसन अपनी जिंदगी का जो रिसेंट टाइम्स मैंने पिछले 1-2 साल में पकड़ा है, मैंने आइसलैंड में पकड़ा। यार मैं आइसलैंड गया,
वही जगह मैं कहीं भी और मैं जाता हूँ, मैं कहीं भी ट्रैवल करके गया हूँ ना कभी भी, तो लोग मेरी शक्ल से जज करो ठीक है, ये देसी सा लग रहा है, दाढ़ी वाला भी है, ये अजीब सा है, बात नहीं करते। मेरी बेगम मेरे साथ हो ना तो सब बात करते हैं ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी गोरी है उससे उसकी शक्ल देख रहे हैं ये ठीक है। लेकिन मैं अगर अकेला जा रहा हूँ तो सब मुझे जबरदस्ती गप लगानी पड़ती है कि आप कैसे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करना पड़ता है। मैं आइसलैंड गया, उछल उछल के आ रहे हैं लोग, Where are you from? Where do you come from? मैंने कहा हाय, मुझे हर किसी से प्यार क्यों हो रहा है, मुझे इज्जत दे रहे हैं, ये मुझे प्यार दे रहा है, कोई सलाम कर रहा है वो यार। And I realized, पाकिस्तान में हम आदम बेजार इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे पत्थर उठाओ बंदा निकल आता है। आइसलैंड में 40% पॉपुलेशन उस कॉन्टिनेंट पे एक शहर में रहती है, 40% लोग ही नहीं है। तो वो जब लोगों से मिलती है वो कहते हैं वो जबरदस्त छह बंदे भी गिर जाते हो, कोई पत्थर उठाओ बंदा आ जाता है, रिक्शे में से 12 लोग निकल आते हैं। बात कहती है यार मैं किस किस को सलाम करूं, मैं किस किस से बात करूं, ये आपकी गलती नहीं है। अगेन इसमें ये नहीं होना कि हाय हम बड़े घटिया हैं, हम तो लोग ही ऐसे हैं। नो, देयर इज अ डिजाइन फंक्शन दैट वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर। यू हैव बीन पुट इन द कैपिटलिस्टिक थॉट प्रोसेस, डिड यू क्वेश्चन कि पैसा क्यों, पैसे के बगैर दुनिया क्यों नहीं। पीपल कैन सिट इन दिस रूम, और मैं अभी आपसे कहूंगा ना कि क़यामत आ जाएगी, एक फरिश्ता है जिसके पर वो सूर घूमेगा, पहाड़ उड़ जाएंगे रुई की तरह, और मीटियोर्स गिरेंगे, आग आसमान में लग जाएगी और तबाह हो जाएगा सब कुछ। आप कहेंगे हाँ क़यामत ऐसी है। मैं आपसे कहूंगा पैसे के बगैर दुनिया कैसे हो गया, ऐसे बड़ी होता है। दैट इज द लिमिटेशन टू योर क्वेश्चनिंग केपेबिलिटी। ओके, दो सिस्टम, एक है डॉक्टर, एक है हकीम। डॉक्टर तो अभी आया ना दुनिया में, उससे पहले तो हकीम होता था ना, शामन होता था, हकीम होता था, वो विच डॉक्टर होता था जिसको कहते थे पुराने जमाने में, जो जंगलों में होता था वो हकीम ही था ना, जो देसी था। उसने रिसर्च की, दरख्त काटे, उसके दादा ने उसको इन्फॉर्मेशन दी, उसके परदादा ने उसको इन्फॉर्मेशन दी, तो हकीम बड़ा मजबूत था क्योंकि उस वक्त के टाइम में सिस्टम ने कहा कि हकीम ही है जो जान बचाएगा। तो लोगों ने कहा हकीम बनो, हकीम में वैल्यू है, इसके अंदर घुसना है, बनना है। कैपिटलिस्टिक प्रोसेस में मैंने वैल्यू कहां चेंज कर दी, क्योंकि डॉक्टर में पैसा है, शोहरत है, सिस्टम ने कहा ना मुझे, सिस्टम क्योंकि पैसे देता है ना उस चीज के सबसे ज्यादा, डॉक्टर बने, हकीम देने के तो पैसे नहीं देता। तो मैं अपनी औलाद को कहां डालूंगा, डॉक्टर की तरफ। मैं कहूंगा यार पैसा उधर है, वैल्यू उधर है, सिस्टम सिस्टम डिसाइड करता है कि किस चीज में वैल्यू होगी। मैं यार आई कैन प्लेस दैट। So, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, बाय द वे, अगर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है मैं बहुत ज्यादा काबिल हूँ। आई हैव बीन थ्रू ड्रग एडिक्शन, आई हैव बीन थ्रू मॉर्फीन, आई वाज ऑन मॉर्फीन और हेरोइन जिसको आप कह सकते हो, फॉर 1.5 साल। आई फेल्ट दैट डिस्कनेक्ट विद द ह्यूमन बींग्स, आई हैड टू फाइट थ्रू दैट एडिक्शन, आई स्टिल बैटल विद सच प्रॉब्लम्स। कभी सिगरेट का लग जाता है, कभी किसी चीज का लग जाता है, कभी किसी चीज का, यू स्टिल बैटल विद इट, सिस्टम ने कोई मसले डाल दिए थे आपको, किसी ने किसी प्रोसेस में से डाला था। बट एन एक्सीडेंट में अस्पताल में 1.5 साल मुझे दवाई लगती रहती थी, साल एक उन्होंने लगाया, 6 महीने भाई ने आगे से पकड़ते हैं। कैसे जानते हो? सो एडिक्शन इज ओनली, या पहले वो सवाल द प्रेजेंट वाला, द प्रेजेंट, पहले हम प्रेजेंट पे कर लेंगे, हम प्रेजेंट कैसे रहते हैं। जस्ट बिकॉज़ आई एम टॉकिंग लाइक दिस डजंट मीन कि मैं ओ मैं पहुंच गया, आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस मोर एंड मोर एवरी डे, दैट्स ऑल आई एम डूइंग। सो प्रेजेंट रहने के लिए द ओनली थिंग दैट इज नेसेसरी, when you're not when they say present, yeah, so are you saying mindful? You know what mindfulness is? Mindfulness is a concept which states ke agar main yahan pe hu, main yahan khada hu, to main yahi ka sochu, is waqt main ye na sochu abbu pata nahi mere baare mein kya soch rahe hain, ammi pata nahi ghar mein kya kar rahi hongi, bhai pata nahi kaisa hai, you can't do shit about it, you're right here. Hamara masla kya hai, main bartan dho raha hota hu na, main soch raha hu जो भी चीज मैं कर रहा होता हूँ वहां पे प्रेजेंट नहीं होता। सो माइंडफुलनेस या फिर प्रेजेंट रहने के लिए हम लोगों को, क्योंकि ओवर एक्सेस इन्फॉर्मेशन आया ना, टीवी आया, आईपैड आया, कंप्यूटर आया, तो इन्फॉर्मेशन ब्लास्ट मिला, तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हो चुकी हुई है, हमें समझ नहीं आती है इस चीज पे गौर करना है, किस तरीके से करना है, ट्रेन नहीं हुआ हमारा ब्रेन। पहले नहीं थी ये चीजें, तो लोग वेले छतों पे बैठते रहते थे, वो दुनिया का भी सोचते थे, अपना ही सोचते थे, पर मसला नहीं, स्ट्रेस लेवल उस टाइम थे ऑफ हो चुकी थी, जिसकी वजह से यू स्टार्ट स्मॉल। पानी पी रहे हो, थिंक अबाउट इट, मैं पानी पी रहा हूं यार,
दिस इज ऑल आई एम डूइंग राइट नाउ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं गाड़ी चलाते हुए है मैं करोड़पति बन जाऊं, शादी हो जाए, लड़की मिल जाए, मुल्क आजाद हो जाए, हमारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं, गाड़ी ना गाड़ी चलाओ, सिर्फ तू गाड़ी चला रहे, पे अटेंशन गॉड डैम इट, जस्ट ड्राइव द फ्रिकिंग कार। मैं पता नहीं वो हो रहा है। अभी आप लोग इधर बैठे हुए, काफी लोग अग्री भी कर रहे हैं, शुरू से आपकी शक्लें शुरू ऐसे थी, अब थोड़े से इंटरेस्टेड बेहतर हो गए मैं, लेकिन आप पिछले कितनी देर हो गए, 45 मिनट्स में कितनी दफा सोच चुके हैं कि यार कब बकवास बंद करेगा, या कब मैं यहाँ से निकलना है, यार घर जाना है, मैंने गाड़ी पकड़नी है, वो काम रहता है अभी। तो तूने सोचे, झूठ ना बोल, मेरे से झूठ क्यों बोल रहा है, मैं तेरा कोई हिसाब ले रहा हूँ, जस्ट टेल मी कि हाँ भी एक सच है। बहुत सारे लोग तो वो है जो बाहर जाकर पता क्या करेंगे, सिगरेट लाएंगे, देखा था अंदर कैसे चलने चाहते हैं। About this shit, it's okay to be honest. What's so wrong with it? But in that function, we never present. Abhi yahan pe ladies baithi nahi hai, log sare baithe hain, wo bhai baithe, mujhe achhi tarah pata hai unke 10,000 aur stress hai, mujhe achhi tarah pata hai. नमाज पढ़े हो ना तो किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना। तो साजिद उमर ने कहा, आजाद खान साहब ने कहा, यार हम तो सोचते हैं कभी कभी दिमाग में, हजर उमर ने कहा मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आती, ठीक है मेरे कोई दिमाग में बात नहीं आती। अच्छा तुम अगर इस दफा जो नमाज होगी ना वो पढ़ोगे ना, तो अगर तुमने ना कुछ सोचा ना तो मैं तुम्हें बकरी का बच्चा दूंगा, गिफ्ट इनाम दूंगा मैं तुम्हें। उन्होंने कहा जबरदस्त, मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दी, कहते हैं वो आखिरी रुको में सलाम फेरने वाले थे, तो उन्होंने कहा यार इतनी बकरी का नाम कैसा होगा। So again, that happened. It's human for the brain to try to do this because it's so much. This is insane. We don't know shit about this yet. This is crazy. This is insane. जो ये तो हो रहा है अंदर और इसमें क्या चीजें? अगर हमें समझ आ गई होती, हम replicate कर चुके होते। हमें नहीं है इसके बारे में कोई समझ। आपको क्यों ऐसा लगता है? Oh, I want to act cool. मुझे तो सब समझ आएगी। Why do we have to do that when it's obvious कि हमें कुछ नहीं समझ आएगी? तो हम लोगों को बहुत कुछ समझना है, सीखना है। So mindfulness starts from there, sir. The small actions, the tiny bits. It's human for us to shove around. Sir, आपका सवाल था। जन्नत दौज़ख की टेंशन चल रही है यार, कुछ ना कुछ तो सभी का भी सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कभी ना कोई तो मसला होगा। आता है किस किस ने डेथ देखी हुई है कभी, कोई दूर करीब, कोई इस तरह का क्या मसला रह गया जो नहीं तुम्हारे साथ स्पेशल है, जिसके बारे में बात नहीं करनी है, वो फसाड है कि नहीं, आई हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट। I can't tell you. Oh please, stay positive, yaar. Oh my God. Maar rakh ke chapeda se group pe, because wo sabse zyada depressed hai. He might shoot himself at some point. That is the person who shoots himself, who says ke please avoid these negative conversations. Genuine conversations. And none of them should be stagnant. Ek topic ko pakad ke ghumate nahi raho. Kyunki jawab kisi bhi cheez ka nahi hai, jugaad. थोड़ी देर के लिए इस चीज का अभी के लिए जुगाड़ लगाया, अगले पे मूव किया, फिर आएंगे वापस, लेकिन कीप मूविंग ताकि स्टैग्नेंट सीट ना हो, ताकि कॉन्वर्सेशन चलती रहे, गप लगती रहे, बातचीत होती रहे। वरना तो वही यार, वही बातें होती हैं दफ्तर में, तो अब तो रहे हो यार, तुम बताओ जबरदस्त है, 6 वीक्स से ना आप पता, बस तेरे बारे में सब पता चल गया, आई नो एवरीथिंग, इनफ आई नो इनफ ऑफ दैट शिट दैट यू आर। लेकिन यार अगेन लैक ऑफ क्वेश्चंस, और अगेन मैं क्यों सवाल पूछूंगा जब मुझे सिखाया नहीं गया यार, उसकी बात पसंद नहीं आती। मैं अगर आके कहूंगा यार मेहनत करोगे सक्सेस मिलेगा, तो कहूंगा बोले भाई थैंक यू सो मच, आपने जान बचा ली, व्हाट्स द डिफरेंस? बाप तेरे बचपन को कह रहा है बदल तू, और बच्चा कह रहा है नहीं यार मुझे नहीं बदलना कुछ, प्लीज मैंने इस पर अभी गालियां नहीं खानी, मुझे नहीं कहा। और एक बंदा आ रहा है वो कह रहा है साथ चलते हैं, मिल के करते हैं, डॉक्टर्स हकीम को कह रहे हैं शिट थू बदलो अपने आप को, वो कह रहे तुम पे लानत, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं शिट। दैट कॉन्फ्लिक्ट हैज स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस, इट्स नॉट अबाउट कि हकीम स्टबर्न है या नहीं, उसको लाया किस तरह जा रहे हैं आप हकीम के पास। अगर आप सो मेनी पीपल हु बिलीव इन द हकीम फंक्शन के जाना चाहिए, बाकी लोग अगर मैं कहूं कि मुझे हकीम के पास जाने, कुछ लोग मुझे आगे से क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे
हाँ यार हकीमों पे है थोड़ा सा ट्रस्ट, लेकिन पता है डॉक्टर्स आर गुड, या वो ये कहेंगे आहा शक्ल देखी है शुएब अख्तर को चर्स पिला दी थी उन्होंने, हकीम ऐसे। कैसी कॉन्वर्सेशन होगी जब उस बच्चे को प्यार से लाया जाएगा ना जो आपके अंदर बैठा हुआ है, तो फिर वो सब चीजें करने के लिए तैयार। छोटे बच्चे को जबरदस्ती लेके जाओ क्या करता है वो, क्यों बदले इसको, तो एलिनेट कर दिया। मौलवी क्या बात करते हैं मौलवी के बारे में, उसके मुंह पे अगर वो मिल जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसे प्यार से लाओ ना इस तरफ, let's talk, let's have conversations, let's make a difference. कोई प्यार नहीं है, अखलाक की कमी है ना हमारी। Again, if I'm stuck in my own shit, it's so difficult for me to grow outside and say कि नहीं मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन मजे की बात ही यही है, you're not going to get to be fixed. There is no perfection. There is no सुकून. There is no सुकून is stagnancy. पुल्ली लगती है उसमें. That is what सुकून is. सुकून doesn't exist in this world. This world is volatile. जिंदगी मुश्किल का नाम है, मुश्किल में शुरू हुई है, मुश्किल में खत्म होगी। ये आपको गलत बेचा गया है कैपिटलिस्टिक थॉट प्रोसेस में। गाड़ी खरीदोगे तो सुकून आएगा, घर लोगे तो सुकून आएगा। None of that leads to सुकून, because सुकून इस volatile प्रोसेस में एग्जिस्ट नहीं करता। मरने के बाद है सुकून, अभी वॉलिटिलिटी के साथ इंफॉर्मेशन जमा कर। एजुकेशन इज अबाउट कि जब मैं फारिग बैठा होता हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ, what am I thinking about जब मैं फारिग, do I have a choice in that or not? जब मैं फारिग बैठा होता हूँ तो सबसे घटिया चीजें मैं फारिग फरार में सोच रहा होता हूँ, that's where you're supposed to be smartest about yourself. उस वक्त अच्छी बातें सोचनी है, उस वक्त गुड के बारे में, बेहतरी के बारे में। यार हार्ट टांग बाजू है, आंखें हैं गुड, यार टांग चल रहे हैं जबरदस्त, अच्छा है, ओके इसी चल रहा है, पानी मिल रहा है, फोन में दो व्हाट्सएप आए हुए हैं, लोग हालचाल पूछ रहे हैं, इट्स प्रीटी गुड मैन, रादर देन इमरान खान ने ये कर दिया, टैक्स बढ़ गए, shit that you can't do anything about, and you're thinking that crap. That is what education is. You select what you're going to think, and that makes you a better human being.